अरे यार कंफ्यूज कर दिया उन्होंने मेरे को, बताइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन से आप बात कर रहे थे, कौन सी बिल के बारे में बात हो रही है? बस वही, ठीक है, ओके ओके। पिल कौन सी है ये? ये पिल एक गोली है। किस तरह की गोली? एक टैबलेट है। क्या होता है? चलो आप ही बताओ। कॉन्सेप्टिव पिल और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में है। हाँ, कॉन्सेप्टिव पिल से बहुत कुछ होता है। कंट्रोवर्सी पिल, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं हम इससे। इस गोली से कुछ नहीं होता। देखिए थॉट ये था, मेरी बीवी मुझसे दूर क्यों जा रही है? ये क्वेश्चन जैसे शुरू हुआ, माय वाइफ इज लाइक आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ थॉट था यही नहीं ना नहीं, ये थॉट नहीं था। सुचि, मैं कितना अच्छा राइटर डायरेक्टर होऊंगा कि मैंने अपनी बीवी को ही कन्विंस किया कि ये फिल्म को प्रोड्यूस करो। बट इट वॉज फन। एंड इसका थॉट बेसिकली इस फिल्म का ये है कि कैसे एक आदमी जो है वो फंस जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड शी सेज कि नहीं, मैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं लूँगी। एंड एट द सेम टाइम उसको ये पता चलता है कि उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और बच्चा डिलीवर कर रही है। तो वो पूरी फिल्म में या तो बच्चा डिलीवर करता है और एक जगह बच्चे का प्रोडक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है। ये I actually didn't कैसी बीवी हो तो? कैसी बीवी हूँ मैं? बहुत अच्छी बीवी हूँ। he didn't have to convince me। एक बहुत सिंपल लॉजिक दिया था जो हम फेस कर रहे थे, आई थिंक जस्ट आफ्टर वी गॉट मैरिड। बच्चा कब आएगा? सो वी गेव अ गुड एक्सप्लेनेशन विच वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनी मोर। सो दैट वाज कन्विंसिंग। सो द रीजन शी अग्रीड टू मेक दिस फिल्म इज सो दैट हर इन-लॉज कैन सी दिस। जी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा डायरेक्शन का, एंड क्योंकि मेरे पास टीम बहुत अच्छी थी। एंड ये जो मेरी पूरी टीम है, अगर आप इस तरफ मेरे साथ चलें माइक ना करें, ये जो मेरी पूरी टीम है, थोड़ा साइड दे दे यार, ज़्यादा लगेगी। थैंक यू। ये जो मेरी टीम है, दे वर फैंटास्टिक, माई सेट ऑफ एक्टर्स, आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव देम टू वर्क विथ मी। एंड आधे ज़्यादा काम मेरा वहीं हो गया, नहीं तो आप सोचिए 30 मिनट की फिल्म 2 दिन में शूट करना इम्पॉसिबल है विदाउट हैविंग अ फैंटास्टिक सेट ऑफ एक्टर्स एंड अ फैंटास्टिक प्रोडक्शन टीम। ऑब्वियसली मेरे लिए इट वॉज अ लॉट ऑफ फन आर्या के साथ। लाइक पहले बात हुई थी जब ऑडिशन हो रहा था, उसके बाद पहला उनका डायरेक्शन था, ऐसा लग रहा था कि डायरेक्शन ओ आर्या बब्बर। बट या इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। सबसे ज्यादा अच्छी बात यही थी, लाइक मैंने पहले भी बोला कि आर्या इज अ बकचोद पर्सन। वाह क्या बात है, ताड़ियां। वो मतलब बहुत टाइम पास करते हैं सेट पे, इतना एनर्जी लाते हैं। अगर थोड़ा सा भी डर, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने 30 मिनट की फिल्म, 30 मिनट की फिल्म मैंने 2 दिन में बनाई है। मेरी बात सुनो, ये देखो, अगर मस्ती नहीं होती है ना सेट पे वर्क के साथ, नहीं बन सकती है फिल्म यार। अगर स्ट्रेस होगा आसपास आपके तो क्या मजा आएगी? कोई कैसे मतलब अपने इमोशंस निकालेगा? यू हैव टू आप आउटलेट से ही होता है, राइट? इफ योर डायरेक्टर इज अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, ऑब्वियसली एक्टर अपने आप अच्छा करने लगता है। ही इज एक्चुअली वेरी फन लविंग ह्यूमन बीइंग अदरवाइज। तो एज अ डायरेक्टर ऑल्सो कहीं ना कहीं ये वो नहीं, अपनी रूट्स नहीं भूले कि एक एक्टर को कैसे फील कराना, क्योंकि वो खुद पहले एक एक्टर है। सो एक कॉम्बिनेशन एक एक्टर डायरेक्टर का, जब जो डायरेक्टर बाद में बनता है और वो एक्टर होता है ना, तो उसको पता होता है कि हमें एक्टर से काम कैसे निकलवाना है। तो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये करी, सारे अपने दोस्तों को लिया कि काम जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करके भी हो जाएगा काम। इसीलिए जैसे उन्होंने बोला कि ये टाइम पास बहुत करते थे, लेकिन काम फिर भी हमने 2 दिन में निकाला। और ये इट्स अ टीम वर्क, इट्स जस्ट नॉट कि हम भी टाइम पास करते हैं यार, हम सारे टाइम पास करते हैं। क्योंकि अगर कोई फ्रेंड मिल जाए हमें डायरेक्टर, तो उससे अच्छा क्या है, मतलब फिर तो वी आर एट ईज। ये मूवी जितनी फनी है उतना ही अच्छा मैसेज भी सेंड आउट कर रही है, वो मैसेज के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बताऊंगा, सर आप बताइए। नहीं, बात ये है, मैं 4 साल के बाद मतलब स्क्रीन पे आ रहा हूँ,
वो भी मतलब आर्या बब्बर जी की फिल्म के थ्रू, मतलब ऐसा क्यों 10 साल मैंने FIR किया था, उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं था, फिल्में की पंजाबी की, लेकिन ये जो OTT है अपना हॉट स्टार उस पे आ रहा हूँ, और बड़ी जो मेरे को रोल दिया गया डॉक्टर भल्ला का, मुझे इतना मज़ा आया, जैसे मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बना बनाया मिल गया इनको, मतलब ऐसा जैसे हम केक लेने जाते हैं ना, ये ले लो, ये हो गया सारा चक्कर, और सेट पे इतना मज़ा आता था, मतलब जैसे इन्होंने बताया है बी वेरी फ्रेंडली। और सबसे बड़ी बात जो अभी नई पारी खेलने जा रहे हैं आर्य बब्बर डायरेक्शन में, इतना मतलब हर चीज़ के ऊपर फोकस इनका, मतलब हर चीज़ के, मतलब हर एक्टर का, जब तक इनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी तब तक ये ओके नहीं करते थे, और मज़ा आ गया। मैं चाहता हूँ और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करें, ऐसे ही हम काम करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोग से भी जानना चाहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू हिट ऑन, तो उस पर आप लोग ने कैसे काम किया? देखो इसमें ना एक पंच है, कॉन्सेप्टिव पिल, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्टिव पिल का कॉन्सेप्ट आर्या के दिमाग में जो आया था, वो पिल एक अच्छे इंटेंशन के साथ इसने ये गोली सारे दोस्तों को खिलाई सबसे पहले उनको कन्विंस किया, क्योंकि आर्या एज अ एक्टर तो सबको सब जानते ही थे, लेकिन एज अ डायरेक्टर आर्या ये किस तरह से करेगा, मुझे लगता है सबको एप्रिहेंशन थे थोड़े, इंक्लूडिंग मी, बट आर्या इतना क्लियर था, उसका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि आर्या ने कहा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट उस टॉपिक पे मैं एक विटी क्वर्की फिल्म बनाना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जब आर्या ने हमें सब्जेक्ट सुनाया तो हमें कहीं पे भी नहीं लगा कि ये सब्जेक्ट रिची है, इसमें मैसेज है लेकिन वो बहुत ही हिडन मैसेज है, लेकिन जिस तरह से फिल्म निकल कर आई है उस तरह से आर्या ने और पूरे टीम ने, सारे एक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया है, उन्होंने पूरे उस कैरेक्टर्स में अपने आप को ढाल के, तो हर एक कैरेक्टर अपने अपने जगह पे हीरो है इस फिल्म में ना। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में कोई मेन लीड नहीं है, इस फिल्म में हर कोई सिचुएशन के साथ अपना अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए जाता है, और हर कोई मेन लीड है इस फिल्म का। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म। आपने सही बात बोली, सारे कैरेक्टर्स मेन लीड है, इसीलिए ऑडियंस इतना प्यार दे रही है। ऑडियंस के रिस्पॉन्स के बारे में आप सारे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो बहुत एक्साइटेड है, एट द सेम टाइम हम थोड़े से नर्वस भी है, क्योंकि ये पहला वेंचर है हमारा, हम थोड़े नर्वस तो फील कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इतना अच्छा प्यार मिल रहा है तो हम बहुत एक्साइटेड है, और हम दुआ करते हैं कि हमें ऐसा ही प्यार मिलता रहे, आर्या और ये टीम ऐसे ही काम करती रहे और अच्छी अच्छी फिल्में लोगों तक लेके आ सके। जैस्मिन, आप क्या कहना चाहेंगे फॉर द रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग? द रिस्पॉन्स इज क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर अस, लाइक वी ऑल्सो थॉट कंसिडरिंग कि एक शॉर्ट फिल्म है, बट आई थिंक वॉट वर्कड इन द फेवर ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो इज आर्या एंड एंटायर टीम्स कन्विक्शन दैट even if you're conveying something which has a social message or is strong, but speak it in a very light-hearted manner jo har kisi ko register bhi kare aur preachy na lage. So I think there's much more in the production ahead if this team and this fire remains. So yeah, I think many much more things. Much more mein kya aane wala hai, hum janna chahenge. Much more mein we are gonna take our next step to a feature which will be told very soon. Okay, cast se jana chahenge. Ye jo puri film hai, 30 minute ki film hai, par pura matlab 2 ghante ki film ka deti hai. Uske bare mein kya kehna chahenge? जी सिर्फ हाँ, कास्ट से पूछा है। हाँ हाँ मैं ये कर सॉरी मैं भूल गया। अरे हाँ मैं तो भूल गया, मैं कास्ट में भी हूँ। वो क्या है ना, शॉर्ट फिल्म का मेन रीजन होता है बजट, एंड यहाँ पर डायरेक्टर ने एक्टर को पे नहीं किया है तो मैं एक्चुअली भूल गया मैं भी फिल्म में था। हाँ बट मैं ये नैन्सी जी हैं, ये बहुत बेहतरीन रोल कर रही है फिल्म में शारिफ साहब के साथ। शारिफ साहब आज जो है हमारे बहुत बेहतरीन एक्टर, बहुत अहम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फिल्म में, लेकिन वो बैल्बोआ इनकी एक फिल्म आ रही है उसका प्रमोशन के लिए गए हुए हैं, बट ही सेंस इज लव टू एवरीवन। नैन्सी, बिफोर वी स्टार्ट जंपिंग इन हियर एंड देयर, प्लीज से अ लिटिल अबाउट योर कैरेक्टर और वट एवर प्लीज। Yes, it's been a very, very exciting journey. Arya is a fabulous director and a wonderful person to, you know, work with. About my character, I'm playing Sharif's wife, who is a very doubtful wife. अपने husband को हमेशा doubt करती रहती है, follow करती रहती है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, you know. And she is a homemaker basically, but always doubting the husband. So it was fun to play the quirky thing, bring out the quirky, you know, things in the character, and it was fun. Yeah. And also, I would really like to add one thing about each character, you know, played by everyone over here. Cheshta plays Payal, Nancy plays Shabnam, Rashika plays Mehak, Bhalla Saab plays Dr. Bhalla, and हमारे क्या शारिफ जो है वो आशिक जो है वो प्ले करते हैं,
So I think Gopi Saab and everyone, I think the way everyone has performed, they are so good. Like even like मुझे लगा क्वांटिटी वाइज देखा जाए शबनम का सबसे छोटा रोल है फिल्म में, लेकिन वो इतना अच्छा करती हैं कि वो रोल आप मिस आउट नहीं कर सकते. एंड वो रोल, देयर इज सम काइंड ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट शी ब्रिंग्स ऑन ऑन द सेट एंड द कैमरा, एंड इट्स सो मच फन. एंड पकड़ के रखती है वो उस समय फिल्म में जब वो हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू दिस एंटायर सेट ऑफ एक्टर्स, जिन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को मेरा डायरेक्शन अच्छा लग रहा है. एक्चुअली आई गॉट वेरी गुड सेट ऑफ एक्टर्स. ओके, लास्टली मैं चाहूंगी आप सब हमारे ऑडियंस को बताएं कहां देख सकते हैं ये मूवी. Hotstar, Disney Hotstar. Wow. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you. Love you. Thank you.